गाइस, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लेनोवो के लैपटॉप के बारे में जो मैंने रिसेंटली परचेज़ किया है, आइडियापैड स्लिम 5। और जिसमें इसमें जो प्रोसेसर है वो AMD राइजन 7 5825U है। इसके स्पेक्स के बारे में मैं बता देता हूँ, आप जो बेसिक स्पेक्स हैं वो देख सकते हो। प्रोसेसर विंडोज़ 11, ये तो नॉर्मल है। जो और इस सेगमेंट के बाकी लैपटॉप्स में नहीं मिलती हैं वो है सी टाइप चार्जर। 65 वाट का सी टाइप चार्जर है जो दूसरे ब्रांड्स इस प्राइस सेगमेंट में नहीं देते हैं, तो ये एक एडवांटेज है। प्लस MS ऑफिस नॉर्मल है, ये तो सब मिल जाएगा। और सेकंड हाईलाइट है इसका जो बैटरी है, 76 वाट आवर की बैटरी है। और जितना मैंने यूज़ किया है अराउंड 10 डेज अभी मुझे हो चुके हैं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि जो इसका बैटरी परफॉर्मेंस है वो वन ऑफ द बेस्ट है सेगमेंट में। मेरे पास HP का i5 11th gen भी है, पवेलियन 14S, सो उससे अगर मैं कंपेयर करूँ तो ऑलमोस्ट डबल आपको मिल जाएगा बैटरी बैकअप इन लेनोवो। वो मुझे 4 आवर्स के अराउंड बैटरी बैकअप देता है, और ये आराम से अगर आप मॉडरेट यूज़ कर रहे हो तो 8 आवर्स के ऊपर आपको बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। और इसमें आपको 1080p फुल HD कैमरा मिलेगा, और कैमरा की जो क्वालिटी है वो सच में बहुत ही सही है। और बाकी लैपटॉप्स में आपको 720p या उससे कम ही या उससे ख़राब कैमरा ही देखने को मिलेगा। वाईफाई 6 है, ये नॉर्मल आपको सब ब्रांड्स दे रहे हैं, और ब्लूटूथ 5.1 है। लैपटॉप के बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करो तो कम्प्लीटली मेटल फिनिश है, टॉप बॉटम ट्रैक पैड सब कुछ मेटेलिक फिनिश है, और बिल्ड क्वालिटी बहुत ही सही है। अगर मैं कंपेयर करूँ HP से तो HP से बेटर है, सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो। और काफ़ी प्रीमियम फील है लैपटॉप का, लाइट वेट भी है। तो आप देख लो, प्रोसेसर के बारे में बात करें तो आपको इस प्राइस सेगमेंट में 2 ऑप्शंस मिलेंगे, एक तो राइजन 7 5825 जो न्यूली लॉन्च्ड है, और एक i5 12th gen मिलेगा। तो आप कंपेयर कर सकते हो, मुझे जितना समझ आया जो मैंने अपना रिसर्च किया उसके अकॉर्डिंग अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो जो राइजन है वो मुझे ज़्यादा बेटर लगा। आप i5 भी ले सकते हो, नो डाउट। अगर आपको i5 लेना है तो इस लैपटॉप का ही i5 वेरिएंट भी है, उसका भी प्राइस ऑलमोस्ट इतना ही है, तो आप वो भी देख सकते हो। तो और अगर आप लेनोवो की वेबसाइट से परचेज कर रहे हो तो आपको 5000 का कैशबैक भी मिलेगा, तो आपका इफेक्टिव प्राइस 65 के अराउंड होगा। और कुछ कूपन कोड्स हैं, अगर मुझे मिलते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप देख सकते हो। उसको अप्लाई करके आप 1-2 हज़ार और कम कर सकते हो प्राइस। तो जो उसका नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है लैपटॉप वो ये है। और हाँ, एक चीज़ और, इसमें आपको रैम आप एक्सपेंड नहीं कर सकते हो, 16 GB सोल्डर्ड है। मेरे लिए ये सफिशिएंट है, मुझे इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी, तो मेरे लिए कोई इशू नहीं। और इसका जो डिस्प्ले है IPS एंटीग्लेयर, काफ़ी बेटर पिक्चर क्वालिटी है इसकी, ब्राइटनेस भी सही है, किसी भी एंगल से आप देखो पिक्चर वॉश आउट नहीं होगी। तो डिस्प्ले भी इसका बिल्कुल सेगमेंट में आई थिंक बेस्ट कह सकते हो। और जो इसका कॉम्पिटिटर है, इसके बारे में मैं इसको भी जब मुझे लेना था तो मैं इसको भी चेकआउट कर रहा था। इस लैपटॉप का ऑलरेडी मेरे पास i5 11th gen वाला वर्जन है, तो बिल्ड क्वालिटी इस लैपटॉप की भी अच्छी है, नो डाउट। बट जो लेनोवो आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो लेनोवो फीचर्स दे रहा है, वो इससे ज़्यादा बेटर्स हैं। तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या पॉइंट्स पे लेनोवो इसको बीट करता है। एक तो इसमें जो आपको चार्जिंग पोर्ट मिलेगा वो राउंडेड है, USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट नहीं है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। प्लस 720p कैमरा है, और इसमें
इस वाले वर्जन में आपको आईपीएस डिस्प्ले तो है बट एंटी ग्लेयर नहीं है, तो ये भी आप चेक कर लेना। अगर आप इतना स्पेंड कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप वही लैपटॉप प्रेफर करना जिसमें एंटी ग्लेयर कोटिंग हो, बिकॉज इसमें स्क्रीन उतनी अच्छी नहीं दिखती, बहुत ज़्यादा आपको वो चमक आएगी अगर पीछे से लाइट आता है तो। और एक और जो इसमें सबसे निगेटिव बात मुझे लगी, इसका जो बैटरी है सिर्फ 41 वाट आवर की बैटरी है इसमें, तो अगर आप लेनोवो से कंपेयर करते हो वहाँ पर 76 वाट आवर की बैटरी है, तो बिल्कुल डे नाइट का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा बैटरी बैकअप में। तो ये रीज़न था जिसकी वजह से मैंने ये लैपटॉप नहीं परचेज़ किया। और एक लैपटॉप मैं और रिकमेंड कर सकता हूँ आपको, वो ये है Xiaomi का Pro। इसमें भी आपको i5 12th जन प्रोसेसर मिल जाएगा, सब चीज़ इसमें फीचर्स तो भर भर के हैं। अगर आप ये लैपटॉप भी देख सकते हो, बट कंडीशन ये है कि इसका सर्विस सेंटर आपके सिटी में हो तो वो ज़्यादा बेटर है, मेरे कंडीशन में नहीं था इसलिए मैंने इसको चूज़ नहीं किया। जो इतने इसके मैंने रिव्यूज़ देखे हैं सब ने काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू दिए हैं इस लैपटॉप के, तो इसको भी आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो।